he understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, colon, semicolon, comma, te full stop. ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। जय हिंद। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, भाई दिस इज कॉल्ड ट्रेलर। मतलब देखो ना, ये लोग हैं सीरियस कि भाई कैसा ट्रेलर निकालना है, क्योंकि सामने सालार है, ये लोग सीरियस हैं, दैट्स व्हाई कि इन्होंने फाड़ के ट्रेलर निकाला है। और बाय गॉड यार, जो बॉलीवुड की जो मिसिंग चीज थी ना कहीं देख के लग रहा था कि यार बॉलीवुड में कुछ तो मिस हो रहा है। मतलब एक्शन मास मसाला के चक्कर में जो बॉलीवुड की असली पहचान है वो तो निखर के आ ही नहीं रही है। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ये जोड़ी वो चीज़ दोबारा रिकॉर्ड रिपीट कराने वाले हैं जो हमें 2010-2000 के टाइम पर देखने को मिलता बॉलीवुड में। फन, इमोशन, इमोशनल ड्रामा, फैमिली ड्रामा, एक दूसरे के लिए मतलब इतना प्यार, भाई जो दिल से कनेक्शन वाली चीज़ें थी ना वो बॉलीवुड में दिखाया जाता था, वो प्योर लव बॉन्ड दिखाया जाता था, चाहे वो आपका फैमिली से हो, चाहे वो आपका फ्रेंड से हो, ऐसा वाला सीन। भाई ट्रेलर्स देख के बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए और अलग हटके है। इस बार जो 2023 में हमें सिर्फ एक्शन मास मसाला के नाम पर बहुत सी जगह टट्टी पकड़ा दी जा रही है वो अलग चीज़ है कि ठीक है मसाला मसाला मसाला, लेकिन भाई यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इमोशनल ड्रामा है, प्योर लव बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब दोस्ती के लिए कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करा जाएगा, कैसे आगे निकाला जाएगा। भाई ट्रेलर बहुत सॉलिड है, बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे मूवी में। एक जगह हमें यंग फन मस्कारा वाला शाहरुख खान देखने को मिल रहा है, तो एक जगह हमें मैच्योर वाला शाहरुख खान देखने को मिल रहा है। एक बार के लिए शायद लंदन में सेटल्ड भी है, देन उसके बाद वो एक एज में पहुंच चुके हैं, बुढ़ापे वाला शाहरुख खान भी देखने को मिला लास्ट में वो रनिंग करते हुए। बेस्ट यार, बेस्ट होने वाला है। कहानी जो है जगह जगह पर बदलने वाली है, कहीं पर जब बहुत ज़्यादा फन मिलेगा तो कहीं पर आपकी आंखें भी गीली होंगी, ऐसा वाला मोमेंट भी देखने को मिलेगा। भाई राजकुमार हिरानी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। थ्री इडियट पीके जैसी फिल्म कभी कोई भूल ही नहीं सकता, आज फिर से बैठा के दिखा लो, लोग फिर देख लेंगे। और यही डंकी मूवी में होने वाला है, वन टाइम वॉचेबल मूवी ये होगी नहीं, आप फिर देखोगे आपको उतना ही मजा आएगा, ऐसा वाला कंटेंट होने वाला है। ऐसा बोला गया था कि डंकी में कोई एक्शन सीन नहीं है, लेकिन भाई शाहरुख खान तो फुल अग्रेसिव मोड में हमें गन चलाते नजर आ रहे हैं और गन रखते भी, मतलब वो कनपट्टी पे गन रखा है, मतलब वो चीज़ देखने को। तो बीच में एक आध जगह हमें एक्शन सीन सिक्वल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो उस हिसाब का नहीं देखने को मिलेगा। बस ये है कि अपने जो दोस्त हैं उनको बचाने बचाने वाले जो बीच में जो लटक जाएंगे क्योंकि इलीगल जा रहे हैं, तो बहुत सी उन्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लंदन जाने की जिद्दोजहद है और कहानी कोई इतना ज़्यादा वैसी भी नहीं है, सिंपल है। ट्रेलर को देखकर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आखिर होने क्या वाला है। सीधी सी बात है, चार दोस्त हैं, बल्ली जो बारबर का काम करता है, उसके बाद हुकुम है जो पजामी वगैरह बेचता है, मतलब ये एक मिडिल से भी नहीं पुअर एंड मिडिल क्लास के बीच में जो फैमिली होती है जिन्हें पैसा कमाना होता है, लंदन आखिर क्यों जाते हैं। वही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कोई फैमिली प्रेशर होगा, पैसे की दिक्कत होगी, उसी के लिए जो इतनी जद्दोजहद वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द फनी कैरेक्टर कौन सा लगने वाला है, भाई विकी कौशल का लगने वाला है, सुखी का कैरेक्टर। मतलब इंग्लिश देखो ना, क्या ही फाड़ इंग्लिश बोल रहे हैं भाई, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सेमी कॉलन कॉलन, मजा आ गया। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन कोलन सेमी कोलन कॉमा ते फॉर, मतलब फन हद से ज्यादा मिलने वाला है, फन के फनकार बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है, लेकिन इमोशन भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ऊपर से मन्नो तापसी पन्नू का कैरेक्टर वो भी दमदार है भाई, लड़ंकी फुल लड़ाकू वाला कैरेक्टर है। और अपने शाहरुख खान जो दोस्तों के लिए मर मिटेगा, मतलब उसका डेस्टिनेशन अलग है लेकिन वो उनको बूस्ट करने के लिए, उनको उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए वो सब कुछ करेगा जो उससे हो सकता है, और वो ट्रेलर में देखकर भी लग रहा है। बहुत सी जगह अप्स एंड डाउन्स आते दिखेंगे, कई जगह बहुत सा खुशी का मंजर देखने को मिलेगा, तो कई जगह बहुत सा इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ट्रेलर एक नंबर है, बिल्कुल औसम है भाई, सालार आ जाए कोई आ जाए, अब बिल्कुल ये मूवी फाड़ के जाने वाली है, क्योंकि एक तो भाई 2023 में ऐसा कंटेंट अभी तक आया नहीं। ऊपर से जब परफेक्शन ऑफ राजकुमार हिरानी हो एंड परफेक्शन ऑफ शाहरुख खान हो,
तो भाई मूवी की तो क्वालिटी ऑटोमेटिक दमदार बढ़ जाएगी। एक बार के लिए जब टीजर आया था तो देख के लग रहा था कि भाई जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो बउआ वाला कैरेक्टर देखने को मिला, लेकिन वो सिर्फ एक मोमेंट पर है जब वो अपनी बचकानी जिंदगी में होते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी तो हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे, ऐसी वाली चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। भाई सालार का ट्रेलर आया था लेकिन उतना दमदार नहीं लगा था, लेकिन अब डायनासोर के लिए कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई ऐसा कंटेंट अभी तक आया नहीं है और ये लोग इसको देखना चाहेंगे। वायलेंस, एक्शन, मास मसाला एनिमल में देख चुके, टाइगर 3 में देख चुके हैं, पठान जवान में भी देख चुके, लियो में देख चुके हैं, जेलर में देख चुके हैं, तो बहुत आई है। तो सालार भाई एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि होने वाला है, डंकी फाड़ने वाली है और जबरदस्त फाड़ने वाली है। ट्रेलर मैंने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया, नहीं देख लिया कैसा लगा, देख लिया तो कैसा लगा नीचे एक्सपीरियंस अपना जरूर शेयर करके जाना। और क्या लगता है यहाँ कौन जीतने वाला है, और मूवी की डेट भी अनाउंस कर दी गई है भाई, वर्ल्ड वाइड नहीं इंडिया में भी 21 दिसंबर को ही ये मूवी आ जानी है। सालार आनी है 22 दिसंबर को। कौन सी मूवी फाड़ने वाली है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी मूवी आप पहले देखने जाएंगे, नीचे कमेंट से जरूर बताया जाना। मिलते हैं अगली वीडियो।